हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ, एक्टिवा 125 वर्सेस एक्टिवा 110। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि साल 2024 के अंदर आपको कौन से स्कूटर पे जाना चाहिए और कौन से पे नहीं, अगर आप दोनों ही स्कूटर के बीच में कन्फ्यूज हो तो। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं जो आपकी कन्फ्यूजन या दूर करने की कोशिश करूँगा, और ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई ये दोनों ही जो है भाई 2024 मॉडल यहाँ पे खड़े हुए हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके ऑन रोड प्राइस से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अंदर आपको अगर आप एक्टिवा 110 पे जाते हो तो ये आपको 95,000 रुपये की यहाँ देखने को मिलेगी, और अगर आप एक्टिवा 125 पे जाते हो तो ये आपको पूरे 1,00,000 रुपए की जो है यहाँ देखने को मिल जाती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये एक्टिवा 110cc का डीलक्स वेरिएंट आप मेरे सामने देख रहे हो, और इसका जो है आप इसका एलॉय वाला वेरिएंट देख रहे हो, जिसमें आप ये चेक कर सकते हो भाई, इसके अंदर आपको एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं जो आप लोगों को यहाँ पे कंपेरिजन में जो है इसके कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बता दूं, दोनों स्कूटर के अंदर जो चीजें कॉमन है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले दोनों के अंदर दोस्तों आप कैसे भी मॉडल पे चले जाओगे तो दोस्तों दोनों के अंदर आपको जो टायर साइज है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे जो है 90/12 का जो है यहाँ पे ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है दोनों ही स्कूटर के अंदर, और दोनों के ही अंदर जो आपको यहाँ पे CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आपका भाई सिंक्रोनाइज ब्रेक्स है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। और दोनों स्कूटर के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, रेयर में आपको जो है सिंगल टाइप जो है यहाँ पे हाइड्रोलिक टाइप जो है 3-स्टेप एडजस्टेबल जो है यहाँ पे सस्पेंशन देखने को मिलते हैं भाई दोनों के अंदर, आप यहाँ से चेक कर सकते हो 3-स्टेप एडजस्टेबल दोनों के अंदर आपको रेयर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और अगर मैं दोनों के बूट स्पेस की बात करूँ ना भाई, तो दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम बूट स्पेस देखने को मिलता है। मैं आपको दूसरे का भी एक बार चेक करा देता हूँ, तो बूट स्पेस के मामले में आप यहाँ से चेक कर सकते हो, दोनों के अंदर आपको जो है यहाँ पे करीबन जो है भाई 15 से 16 लीटर का जो है यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलता है। आप चेक भी कर सकते हो भाई, दोनों का ही बूट स्पेस जो है वो आपको बिल्कुल सिमिलर है यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं दोनों के भाई पेट्रोल टैंक की बात करूं तो दोनों के अंदर आपको सेम पेट्रोल टैंक देखने को मिलेगा, 5.3 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको इन स्कूटर्स के अंदर जो है भाई E20 की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी दोनों ही स्कूटर्स के अंदर में। और अब जो है भाई इसके मेन डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि आपको जो भाई एक्टिवा 110 पे क्यों जाना चाहिए और 125 पे क्यों। तो दोस्तों अगर आपका बजट भी भाई आपने मन बना रखा भाई कि आपको जो है होंडा के स्कूटर परचेज करने हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर कंफ्यूज हो, या मार्केट में आप कोई और स्कूटर भी देख रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं होंडा पे जाऊं या ना जाऊं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस वाले वेरिएंट पे जाते हो एक्टिवा के 110cc वाले पे, तो सबसे पहले भाई ये आपको ऑन रोड प्राइस भी जो है इसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई जब आप इसको परचेज कर लोगे तो उसके बाद जब आप इसकी जो सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह है वो भी आपको कहीं ना कहीं इस स्कूटर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं दोनों की पावर वगैरह की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको इस स्कूटर की पावर के बारे में बता दूं, इसके अंदर आपको 110cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है भाई, जिसकी मैक्स पावर आपको 7 BHP और मैक्स टॉर्क 8 Nm देखने को मिलता है। वहीं इसके अंदर दोस्तों आपको जो है 125cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जिसकी मैक्स पावर दोस्तों आपको यहाँ पे 8 BHP और मैक्स टॉर्क इस वाले स्कूटर के अंदर आपको 10 Nm का देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से जो है अंदाजा लगा सकते हो कि भाई दोनों के अंदर जो भाई पावर का जो है यहाँ पे डिफरेंस आपको जो है देखने को मिलेगा, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 19-20 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी 110cc चलाते हो और आपने 125cc नहीं चलाया, अगर आप 125cc चलाओगे तो आप जो है दोनों में अंतर जो है यहाँ पे फील कर पाओगे, और माइलेज भी जो है दोस्तों दोनों की ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलती है। कंपनी क्लेम करती है भाई 55 KMPL की माइलेज है, लेकिन जो रियल टाइम में जो है ये 45 से लेके 50 KMPL तक की ही माइलेज जो है वो दोनों स्कूटर आपको निकाल के देते हैं। बाकी भाई डिपेंड भी करता है कि आप स्कूटर्स को चलाते कैसे हो, और स्कूटर के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो जो डिफरेंस है, एक तो भाई लुक तो टोटली आपकी जो यहाँ पे चेंज हो जाती है, फ्रंट से आप यहाँ भी चेक कर सकते हो,
एलईडी लाइट आती है भाई, ठीक है। इसके अंदर आपको स्टील रिम देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपको एलॉय, और दोनों के अंदर दोस्तों आपको जो है इंजन जो है वो यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट के जो है टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, एकदम साइलेंट जो है इसके इंजन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं भाई। और जो दोस्तों मेन डिफरेंस है भाई कि अगर आप भाई इस पे जाओगे तो इसकी आपको जो भाई कॉस्ट यहाँ कम देखने को मिलेगी, वहीं अगर आप थोड़े से भाई परफॉर्मेंस लवर हो, जिसको आप कह सकते हो कि भाई आपको जो है थोड़ा भगाने का शौक, आपको चाहिए कि नहीं भाई अगर मैं जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इस ऐसे प्रोडक्ट में करूँगी जो आपके इशारे पे जो है भाई रिस्पॉन्स भी करे, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप जो है एक्टिव 125 पे जाना, क्योंकि इसके अंदर आपको पावर और टॉर्क यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है, और इसका फायदा आपको ऑन रोड जब आप इस स्कूटर को चलाओगे तब आपको पता चलेगा, कंपेयर करोगे अगर 110 से। तो इसके अंदर दोस्तों अगर आप डबल सवारी बैठा के चला रहे हो तो ये जो आपका जल्दी पिकअप पकड़ेगा कंपेयर इसके करे तो। बाकी भाई अगर मैं इसके बताऊं कि भाई अगर आप इसको ले लेते हो तो सर्विस वगैरह के अंदर भी दोस्तों आपको जो है ऐसा नहीं कहूंगा कि इसके स्पेयर आपको थोड़े से कॉस्टली देखने को पड़ेंगे इसके कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कॉस्टली देखने को पड़ेंगे। हाँ, आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे जो दे के है इसकी यहाँ पे सर्विस करानी पड़ेगी, क्योंकि इसके थोड़े से स्पेयर हल्के फुल्के आपको जो कॉस्टली देखने को मिलेंगे। बाकी ऑलमोस्ट जो देखो दोस्तों एक्टिवा चाहे दोनों ही है भाई, ये 125 और 110, इसके अंदर जो कॉमन चीजें हैं वो जो भाई यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के अंदर जो यहाँ पे कॉमन स्पेयर पार्ट यहाँ पे यूज किए गए हैं वो जो ये दोनों आपस में शेयर भी करती हैं, भले इसके अंदर कम पावर हो और इसके अंदर ज्यादा, तो कुछ इस टाइप से दोस्तों ये रहने वाली। और मेन डिफरेंस आपको बता दूं कि अगर आप 110 सीसी पे जाओगे तो इसके अंदर आपको पूरा एनालॉग मीटर देखने को मिलता है भाई, आप यहाँ से चेक कर सकते हो कुछ इस टाइप से इसका मीटर यहाँ पे रहने वाला है, और ये इसके कंट्रोल्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। और सेम आपको जो भाई एक बार इसका 125 का भी दिखा दूं, तो अगर आप 125 सीसी वाले वेरियंट पे जाओगे तो उसके अंदर आपको जो भाई सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल्स आप चेक कर सकते हो कुछ इस टाइप से इसके कंट्रोल्स यहाँ रहने वाले हैं। दोनों के अंदर दोस्तों आपको अच्छा खासा यहाँ पे लेग रूम देखने को मिल जाएगा, अगर आपका किराने वगैरह का काम है तो आप जो आराम से जो भाई इस पे सामान वगैरह ढो सकते हो, या आपका कुछ इस टाइप का काम है जिसमें आपको जो है भाई ये आपको अपने पैरों के अंदर जो है भाई यहाँ पे सामान वगैरह जो है वो लाद के ले जाना या लाना पड़ता है, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप एक्टिवा 125 सीसी पे जाना, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिल जाता है भाई, ठीक है। और इस वाले के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट ये भी है, इसके अंदर आपको एलईडी के डीआरएल्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इसके अंदर मिसिंग है। बाकी ये भाई एकदम जो भाई सिंपल लुक्स के साथ में आता है, और ये थोड़ा सा भाई मॉडर्न लुक्स के साथ में आता है। ये स्कूटर भाई मैं उस बंदे को रेकमेंड करूंगा जिसका भाई अभी नया नया जो भाई फर्स्ट टाइम यूजर है, या जिसका ने बजट बनाया और मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ रहा है जिसमें वो पैसे इन्वेस्ट भी करे और उसके बेकार भी ना जाए। वो कहने का मतलब ये कि वो पैसे डाल के अगर कोई चीज ले रहा है तो वो बेकार ना हो, पछताए ना कि मैंने बाद में यार ये क्या ले लिया, तो वो भाई इस पे जा सकता है, क्योंकि ये आपको जो है कम डाउन पेमेंट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल तो भाई कम डाउन पेमेंट में ये भी हो जाएगा, लेकिन इसकी आपको किस्त ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर करोगे तो इसके, ठीक है। और एवरेज भी दोस्तों आपको जो है थोड़ा ही बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात है भाई पावर पिकअप का आपको अच्छा खासा डिफरेंस दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है भाई। और एक बार मैं आपको दोनों की जो है भाई टेल लुक भी चेक करा दूं, तो टेल लुक आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी भी आपको जो है हैलोजन वाली देखने को मिलती है, लेकिन ये प्रीमियम स्कूटर है तो आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाएगी, और वो नॉर्मल है तो उसके अंदर आपको नॉर्मल हैलोजन जो है पे टेल लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। दोनों के रेयर से टायर साइज सेम है, ठीक है भाई, फ्रंट का भी टायर साइज सेम है और सस्पेंशन भी इसके सेम है, मैंने आपको बताया ही था। और तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है ये दोनों स्कूटर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, और अब कुछ रह गया हो बच गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।